बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद, आप सबको नई एपिसोड में खुश आमदीद। आज मैं चिकन मसाला की रेसिपी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है, इसमें मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करूंगा और ये कैसे बनेगी, चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैंने 100 ml आयल ऐड करा है। इसमें मैं 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया मैंने इसमें। देखिए यहाँ पे इसमें 1/2 किलो गोल्ड इस तरह इसमें उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इससे हम हल्का सा इसमें पानी सीधा मारेंगे। बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए कौन सा कलर हो रहा है। इसके लिए एक छोटा मिक्सर बना रहा हूँ। अपने ये 1/2 कप प्याज इसमें ऐड करा है और इसमें आधी प्याली में दही ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इसका मिक्सर बन गया। इसको हम चिकन मसाला में ऐड करेंगे। अब ये इसमें मैं जो मैंने इसका पेस्ट बनाया था प्याज और दही का, वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसमें 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, पिंक सॉल्ट मैं इसमें ऐड करता हूँ। अपने इसको अच्छी तरह एक बार हिलाना है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। कोई बाजार का मसाला इसमें मैंने यूज़ नहीं करा। और एंड में इसमें मैं 4 से 5 इलायची छोटी मैंने उसमें डाली है। बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाएगी है। आपने हल्का हल्का इसमें पानी का छींटा मारते रहना है। आपने जो 15 मिनट है उसमें आपने हल्का हल्का आपने इसमें हल्का हल्का पानी का छींटा मारते रहना है। माशाल्लाह रेडी हो गई आज की रेसिपी, चिकन मसाला की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह आज की रेसिपी रेडी हो गई है। इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। अगर कोई फरमाइश हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। हम हाजिर होंगे एक नए न्यू एपिसोड के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।